दोस्तों क्या होगा जब एक बंगाल टाइगर और इंडियन बाइसन में लड़ाई हो जाए? इनकी लड़ाई में जीत किसकी होगी? इन दोनों में लड़ाई होना संभव है क्योंकि ये दोनों ही जानवर भारत के जंगलों में एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन दोनों में कई बार लड़ाई हो भी जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती होगी? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस लड़ाई के विजेता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी बता दूँ कि बंगाल टाइगर बिल्लियों की प्रजाति से है, जो कि एशिया में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक बाघ की प्रजाति है। बंगाल टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल भी कहा जाता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के घने जंगलों में पाए जाते हैं। जंगल का विनाश और जंगल में शिकारियों द्वारा बार बार किए जाने वाले शिकार के कारण बंगाल टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है और उनकी संख्या 2200 से भी कम बची हुई है। वही अगर हम बात करें इंडियन बाइसन की, तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ ये जानवर पाया जाता है, जो कि काऊ फैमिली में सबसे बड़े और लंबे पशु में से एक है। इंडियन बाइसन को 1986 में IUCN द्वारा खतरनाक जानवरों के रेड लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन आज के समय में इंडियन बाइसन की ताकत कम होकर 21,000 तक ही बची हुई है। इंडियन बाइसन को गवर्नमेंट द्वारा कई नेशनल पार्क में सुरक्षित तरीके से जतन किया गया है। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम इनके कुछ मुद्दों के आधार पर इस लड़ाई का विजेता निश्चित करेंगे। साइज एंड डिस्क्रिप्शन। बात करें बंगाल टाइगर के साइज की, तो बंगाल टाइगर के शरीर की लंबाई 2.7 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है, जिनमें उनकी 1 मीटर की पूंछ भी शामिल है। वही उनकी शोल्डर तक की हाइट 1 मीटर तक होती है। फीमेल टाइगर मेल टाइगर के मुकाबले आकार में छोटे होते हैं। मेल टाइगर का वजन 181 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक होता है और फीमेल टाइगर का वजन 90 किलोग्राम से लेकर 160 किलोग्राम तक होता है। बंगाल टाइगर के शरीर का कलर हल्का पीला और ऑरेंज कलर का होता है, जिनके पेट के नीचे की त्वचा सफ़ेद कलर की होती है। इनके शरीर पर काले कलर की पट्टियाँ होती है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ फैली हुई होती है। वहीं हम इंडियन बाइसन के साइज की बात करें, तो आपको इसे देखते ही इसके शरीर का अंदाज़ा लग गया होगा। काऊ फैमिली में सबसे बड़े होने के कारण इंडियन बाइसन को बड़ा सिर, मस्कुलर शरीर और मजबूत पैरों के लिए जाना जाता है। इंडियन बाइसन ब्राउन और ब्लैक कलर के पाए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों के पास मजबूत और नुकीले सिंग होते हैं, जो कि ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। उन सिंगों की लंबाई 2.6 फीट तक बढ़ती रहती है। मेल बाइसन के पीठ पर कुबड़ पाया जाता है। इनके शरीर की लंबाई 2.5 मीटर से लेकर 3.3 मीटर तक होती है और इनकी हाइट 1.7 मीटर से लेकर 2.2 मीटर तक होती है। वही एक एडल्ट मेल इंडियन बाइसन का वजन 700 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का होता है। हैबिटेट। बंगाल टाइगर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन देशों में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर इंडिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और घने जंगलों में पाए जाते हैं। वही बांग्लादेश और भारत के सुंदरबन क्षेत्र में भी बंगाल टाइगर देखा जा सकता है। नेपाल में मौजूद प्राइम लोलैंड फॉरेस्ट बंगाल टाइगर के निवास के लिए जाना जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करें इंडियन बाइसन के हैबिटेट की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बाइसन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, जिसकी ताकत भारत में साउथ वेस्ट और ईस्ट क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। बाइसन की कुछ प्रजातियाँ बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम, इन देशों में भी पाई जाती है। इंडियन बाइसन अपने बड़े साइज के कारण हरे भरे जंगलों में रहना पसंद करते हैं। डाइट। अन्य बाघों की तरह बंगाल टाइगर भी मांसाहारी होते हैं। एक एडल्ट मेल बंगाल टाइगर एक ही समय में 27 किलोग्राम तक का मांस खा सकते हैं। बंगाल टाइगर एक अच्छे शिकारी होते हैं, जो कि शिकार पर नज़र बनाए रखकर पीछा करके उसे मार डालते हैं। इनकी शिकार करने की रणनीति भी अलग होती है, जो छिपकर शिकार के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं और उन पर झपटते हैं। बंगाल टाइगर पिग्स, जंगली भैंस और हिरणों को अपना शिकार बनाते हैं। वही बात करें इंडियन बाइसन के डाइट की, तो हरी घास उनका प्रमुख भोजन होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। साथ ही साथ ये फूल, काजू, जड़ी बूटी, बांबू और फल खाना पसंद करते हैं। ये सुबह और शाम के समय जमीन पर उगे घास या पेड़ पर अपना खाना ढूंढ लेते हैं। अटैकिंग स्किल्स। बंगाल टाइगर अपनी शिकार का 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर सकते हैं और वो अपने शिकार पर 1050 PSI बाइट फोर्स से हमला करते हैं। वही इंडियन बाइसन शिकारी नहीं होते, लेकिन ये उन पर हमला करने वाले शिकारियों को मात देने की क्षमता रखते हैं। इंडियन बाइसन अपने विरोधी पर अपने मजबूत सिर से हमला कर सकते हैं। उस हमले के दौरान उनके ये नुकीले सिंह
हथियार की तरह काम आते हैं। इंडियन बाइसन की उच्चतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाइसन खतरा महसूस होने पर सभी बाइसन को अपनी आवाज़ से सूचित कर देते हैं, जिसे विस्लिंग स्नॉट कहा जाता है। इंडियन बाइसन इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। फाइट। अब बात करते हैं आज के हमारे मुद्दे पर, क्या होगा जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे। एक तरफ है जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी, वही दूसरे तरफ है सबसे वजनी शिकार। बाइसन सबसे वजनी और शक्तिशाली जानवर है, जिसके पास अपने शिकारी को मात देने के लिए दो जानलेवा सिंग मौजूद है। वही बाइसन को शरीर पर काफ़ी मस्कुलर मास पाया जाता है, मतलब अगर बाइसन अपने नुकीले सिंगों से टाइगर पर हमला करे तो टाइगर जख्मी हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बंगाल टाइगर शिकार के नज़दीक जाते ही उस पर झपट लेते हैं, इसलिए अगर बंगाल टाइगर झपट कर बाइसन की गर्दन दबोच ले तो बाइसन का शिकार बनना निश्चित है। साथ ही साथ बंगाल टाइगर अपने दो पिछले पैरों पर खड़े रहकर भी बाइसन को नाखूनों से जख्मी कर सकते हैं, इसलिए अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो 10 में से 8 बार बंगाल टाइगर ही जीत जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंगाल टाइगर एक ही समय में 27 किलोग्राम तक मांस खा सकते हैं, मतलब जिस दिन में उनके हाथ ये बाइसन लगता बंगाल टाइगर की दावत ही हो जाती। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।